हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आई एम वेरी सॉरी फॉर द लास्ट मिस्टेक। मैंने वीडियो डाल भी दिया और उसमें आवाज ही नहीं थी। देयर वाज सम इशू ऑफ माइक। सो आई होप अभी आपको आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। सो नाउ हम बात कर रहे थे एसएससी एमटीएस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियोस में अपने बता ही रखा था कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो आपका जुलाई में शेड्यूल है वो पोस्टपोन होगा, और वैसा ही आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है आपका, वो आपका जो कि 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक शेड्यूल था, वो पोस्टपोन हो गया है। और साथ ही साथ एसएससी सीपीओ का एग्जाम जो 12 जुलाई को शेड्यूल था, वो भी पोस्टपोन हो गया है। दोनों ही एग्जाम्स आपके पोस्टपोन हुए हैं। इट वाज ऑलरेडी वेरी क्लियर कि एसएससी एमटीएस का ये पेपर वो पोस्टपोन, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपको ये पता है सबसे पहले कौन सा एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। सबसे पहले हुआ था हमारा सीएचएसएल का पोस्टपोन, उसके बाद हमारा पोस्टपोन हुआ था सीजीएल का, और अब हमारा पोस्टपोन हुआ है तो एमटीएस का। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि पोस्टपोन, देखिए, मतलब हो सकता है कि इस बार एग्जाम वो करा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वो क्रोनोलॉजी को नहीं बिगाड़ेंगे, वो ऑर्डर नहीं बिगाड़ेंगे। सबसे पहले सीएचएसएल होना था, अब मान लीजिए एमटीएस वो करवा देते हैं और सीएचएसएल का आधा एग्जाम रह जाता तो वो चीज़ फेयर नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एमटीएस को भी पोस्टपोन कर दिया है। कब होगा, कब कहाँ होगा, इसके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। फ्रेश डेट्स जो है वो बाद में बताएगा कमीशन, ऐसा नोटिस में लिखा हुआ है। यानी कि डेट्स के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। बट जहां तक मेरा स्पेकुलेशन कहता है, वो ये कहता है कि आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम है, वो आपका अगर बहुत सारी चीजें फेवर में रही, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, हाल ही में 2-3 दिन से डेल्टा प्लस के बारे में आप न्यूज सुन रहे होंगे, और अभी उसके बहुत ही कम केसेस हैं, बट इट इज अ वायरस ऑफ कंसर्न। तो आगे अगर इसके केसेस नहीं बढ़ते हैं और थर्ड वेव की कोई भी सिग्नल्स हमें नहीं मिलते हैं, तो एग्जाम्स हमारे शुरू हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जुलाई एंड में, अगर बहुत अच्छी सिचुएशन हुई तो जुलाई एंड, अदरवाइज आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम है तो वो अगस्त में ही शुरू हो पाएगा, आप ये मान के चलिए। इसके अलावा सीजीएल का जो एग्जाम है हमारा, ये आपका अगर ये जुलाई एंड में होता है तो ये आपका अगस्त एंड में हो पाएगा, और अगर सारी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो सितंबर तक शुरू हो सकता है। और जब ये हमारे दोनों एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही एमटीएस कंडक्ट होगा, जो कि अक्टूबर तक कंडक्ट हो सकता है। तो अगर सारी सिचुएशंस अच्छी रही, धीरे धीरे अनलॉक होता रहा, इसी तरीके से चीज़ें खुलती रहीं जैसा कि अभी हो रहा है, वीक्स में कुछ चीज़ें अभी ओपन है, कुछ चीज़ें ओपन नहीं है, तो अगर चीज़ें सिचुएशन बेटर रही हमारे देश में, तो आगे जुलाई एंड या फिर अगस्त तक आपके सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा, होना शुरू हो सकता है, और उसके बाद सीजीएल का एग्जाम अगस्त एंड या फिर सितंबर तक हो सकता है, और एमटीएस का एग्जाम उसके बाद होगा। तो ये आपका डेट्स हैं, अभी पोस्टपोन की नोटिस है। मेरा स्पेकुलेशन ये कहता है आपका सीएचएसएल अगस्त में होगा, सीजीएल आपका सितंबर में होगा, और एमटीएस आपका अक्टूबर में होगा, अगर सारी चीजें फेवर में रही तो। ठीक है, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में भी आपने यही कहा था कि अगस्त सितंबर तक ही एग्जाम शुरू हो पाएंगे, एंड वैसे ही पिक्चर आपके सामने आती जा रही है। एक मीडिया न्यूज जरूर आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि जुलाई एंड से एग्जाम हो सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो सीएचएसएल का एग्जाम जुलाई एंड में होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगस्त तक शुरू हो पाएंगे आपके एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये आपकी इसके बारे में नोटिफिकेशन थी, आपको मालूम चल गया होगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते थे कि क्या एमटीएस का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं, वो चीज़ अभी क्लियर हो गई है। मेरे अनएकेडमी पर मेरा अनएकेडमी पर इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8 बजे रात में क्लास चलती है, जुलाई में भी कंटिन्यू रहेगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली 2 फ्री क्लासेस होती हैं, एक रीजनिंग की फ्री क्लास होती है दोपहर के 1 बजे, इंग्लिश की फ्री क्लास होती है दोपहर के शाम के 5 बजे। ये दोनों ही फ्री क्लासेस आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे डेली मैं लिंक डालता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, जैसे टीम फोनिक्स बैच, सीटी ब्रह्मास बैच, संकल्प बैच है आपका, सफलता बैच है, आखिरी पड़ाव, क्रैक एसएससी जीडी एमटीएस के लिए बैच है। ये सारे ही बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपये या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 7800 रुपये का है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर बहुत ही जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है, तो कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्या कि आप अनअकैडमी पर टेस्ट देकर एप्पल आईपैड, एप्पल एयरपॉड या फिर JBL स्पीकर जैसे प्राइस जीत सकते हैं। ये टेस्ट आपका 4 जुलाई को होगा, दोपहर के 12 बजे कंडक्ट होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाकर अभी एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए वो कोड पूछेगा, तो AMANT लिखकर आप एनरोल कर सकते हैं। 40 सवाल इसमें पूछे जाएंगे, 50 मिनट में आपको एक टेस्ट देना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो एप्पल आईपैड मिनी, सेकंड रैंक आती है तो एप्पल एयरपॉड, और थर्ड रैंक आती है तो आपको JBL का स्पीकर मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगर टॉप 500 रैंकर्स हैं तो आपको अमेजॉन वाउचर्स भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, एक अच्छी खबर है, एक खराब खबर है, एक अच्छी खबर भी है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके प्राइस जीत सकते हैं।
फिलहाल के लिए ये नोटिस थी हमारी, और कब तक एग्जाम हो सकते हैं ये मेरा स्पेकुलेशन है, मेरा अनुमान है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई एसएससी चेयरमैन नहीं हूँ जो मैं एकदम आपको करेक्ट डेट्स बता सकूँ, बट मेरा अनुमान ये कहता है कि जुलाई एंड तक एग्जाम आपके शुरू हो सकते हैं, सीएचएसएल वाले तैयार हो जाएं और सीजीएल वाले भी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ जितना पता आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।